गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुबीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैशन डिपार्टमेंट, ट्राई यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद. टुडे माई टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन. सो फर्स्टली वी शुड नो वट इज़ फैशन, द स्टाइल दैट आर एक्सेप्टेड एंड यूज बाई अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एट अ गिवन टाइम. सेकेंड, द करेंटली एक्सेप्टेड प्रिवेलिंग स्टाइल. थर्ड is fashion designing term commonly used to creations of clothing and other lifestyle accessories. Fashion की बहुत सारी definitions हैं. अगर आप बोलते हो कि जो हम पहनते हैं अच्छे से dress up होना वो fashion है, fashion है. जो current style चल रहा है हम उसको follow कर रहे हैं, that is a fashion. So there are so many definitions of fashion. So fashion designing term commonly used to creations of clothing and other lifestyle accessories. जो भी आप पहनते हो, चाहे वो मेंस वेयर है, वुमेंस वेयर है, चिल्ड्रंस वेयर है, गारमेंट्स, चाहे आपका एक्सेसरीज शूज़ हैं, आपकी वॉचेस हैं, आपका ब्रेसलेट्स है, आपका जो भी एक्सेसरीज है उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आपकी फैशन के अंदर आती हैं. फैशन इज क्लोदिंग मेड अप ऑफ द प्रिंसिपल दैट मेकअप अपीलिंग आर्ट अप्लाई टू गुड फैशन डिज़ाइन एज वेल. Second, good fashion has a combination of the elements and principle of design. कोई भी design बनाने के लिए हमें उसके elements और principles क्या होते हैं और उसको use करना आना चाहिए. We can't create any kind of design without elements and principle of designs. So today my topic is also is elements of designs. So there are so many elements of designs. First is line, shape, color, texture, pattern. जितने भी ये elements हैं, line, shape, texture, इनको use करके ही हम कोई design create करते हैं. अगर हम इनको use करना हमें नहीं आता तो हम कोई भी design create नहीं कर सकते. Line, first element is line. Refers to an elongated mark that connects two or more point line enclose and divide space, creating shapes and forms seam line divide and enclose space on a garment. So we can see there is a some lines. These are the structure lines and these are the decorative lines. So there are two types of line. First is structure lines and decorative lines. Structure lines required to maintain the structure of the garment. For example, seam. Seam आपका जो भी हम garment कभी stitch करते हैं, side में हम जो seam देते हैं या stitch देते हैं, that is a seam. So these are creative structural lines. कोई एक garments है, fabric का टुकड़ा है, मैंने उठाया, एक तरफ stitch लगाया, दूसरी तरफ stitch लगाया, then I'll open this. तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. अगर मैंने उसमें कर्व लाइंस में स्टिच लगाया सो एक कर्व स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. सो दीज काइंड ऑफ लाइन इज स्ट्रक्चर लाइन. डेकोरेटिव लाइंस क्रिएटेड बाय द डिजाइनर प्योरली फॉर अ डेकोरेशन. फॉर एग्जांपल अ प्रिंटेड ऑन डिजाइन. डेकोरेटिव लाइंस सिर्फ हम गारमेंट्स के ऊपर यूज करते हैं, सिर्फ प्रिंट देने के लिए, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए कि वो हमारा गारमेंट्स अच्छा दिखे. सो दीज आर द डेकोरेटिव लाइंस. स्ट्रेट लाइंस मैसेज. जब भी हम कहीं किसी भी गारमेंट्स में हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं सो एकदम से मतलब क्या मैसेज हमारे माइंड में आता है कि स्ट्रांगनेस, रिज्ड, फोर्सफुल, हार्ड, फॉर्मल, मस्कुलिन, क्रिप्ट, स्टिफ, सिवियर. एल्यूशन increases emphasize reinforce body lines and angles, counter curved lines and rounded body area. Placements clousers, necklines, collars, lapels, seam lines, darts. Darts क्या होता है? कभी भी हम कोई garment stitch करते हैं basically darts used for fitting. हम कुछ fabric अंदर की तरफ insert करके एक stitch लगा देते हैं जिससे उसकी garments की जो fitting है वो proper आ जाती है. So that is a dart. Tucks, pleats. Pleats usually हम skirts में देखते हैं या किसी भी male trousers में upper side में belt के पास pleats होती हैं. Folds, pleats used for comfortability. And the strips, shapes, silhouettes. Curved lines. Next, message.
जेंटल, रोमांटिक, फ्रेगिल, सॉफ्ट, कैजुअल, फेमिनाइन, ग्रेसफुल, सेंशुअल। कभी भी कर्व लाइन एक ऐसा फ्लो जाता है, इससे क्या लगता है कि बहुत ही कोई सॉफ्ट फीलिंग आ रही है। सो कर्व लाइन हमेशा हम किसी फंकी लुक के लिए या बहुत ही रोमांटिक, ऐसा फेमिनाइन, ग्रेसफुल, सेंशुअल। सो इल्यूशन होल्ड्स अटेंशन लॉन्गर, इंक्रीजेज, एम्फसाइजेज, रेनफोर्स राउंडेड सॉफ्ट बॉडी कर्व्स, काउंटर स्ट्रेट लाइंस एंड एंगुलर बॉडी एरियाज। प्लेसमेंट्स, यूजुअली कर्व लाइंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस पार्ट्स में हम गार्मेंट से कर्व लाइन यूज करते हैं। फैब्रिक पैटर्न, नेक लाइंस, कोई भी नेक लाइंस हो, वी शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, हर जगह कर्व लाइन का यूज करते हैं, तो वो एक लुक जो आता है उसका, दैट इज एलिगेंट। कॉलर्स, योक लाइंस, योक लाइन, योग क्या होता है, कभी भी हम गारमेंट्स देखते हैं तो मेल शर्ट में बैक साइड में शोल्डर के पास एक डबल फैब्रिक की लेयर होती है जिससे वो पूरी शर्ट को होल्ड करके रखता है। सो दीज आर द योग। योग बेसिकली उन पार्ट्स पे यूज होता है गारमेंट्स के जहाँ पे बहुत हैवीनेस रहता है या कुछ भी ऐसा बहुत ब्रॉडनेस रहती है, सो वहाँ हम योग यूज़ करते हैं। तो योग को डेकोरेटिव बनाने के लिए वी मोस्टली यूज कर्व लाइंस, सीम लाइंस, बोज, लेपल्स, स्लीव्स, रफल्स, स्कर्ट्स, गेदर, स्ट्रिंग्स एंड बटन्स। लाइन डायरेक्शन, द डायरेक्शन दैट द लाइन फॉल्स अफेक्ट द डिजाइन, मैसेज एंड इल्यूशन ड्रास्टिकली। वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, फॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड, स्टिफ, बिजनेस लाइक, स्ट्रेटली, कंजर्वेटिव, ग्रैंडियस, मजेस्टिक, एफिशियंट। Vertical lines, if somebody have broad figure, have a thick figure, so ऐसे लोगों को, ऐसे figure वाले लोगों को हमेशा vertical lines वाले कपड़े पहनने चाहिए। उनका जो wardrobe है वो vertical line वाला होगा तो जो body है वो wider नहीं लगेगा। Next is illusion, increase, emphasize, reinforce, length, height, narrowness, thinness, slimming, counter, horizontal lines. Placement, deep V necklines, pointed collars, narrow lapels, narrow panels or gores, fabric insects, lengthwise, grain line. Grain line is the direction of line. So vertical strips, dart, dart is all mostly used for fitting. Tucks, pleats, folds, crease, zipper, row of buttons, pockets, tie, necktie, long sleeves, high heels. इन सब एरियाज में हम ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल मैसेज, रेस्टफुल, स्टेबल, काम, रिलैक्स्ड, कैजुअल, क्वाइट, सरेन, इन रिस्पोंस, लैथार्जिक। कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम यूज करते हैं या हम कहीं पे भी देखते हैं तो एक रिलैक्स मिलता है, ये समथिंग इज स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल। इल्यूशन, इंक्रीज, एम्फसाइजेस, रेनफोर्स वेट, बल्क, शॉर्टनेस, काउंटर्स, वर्टिकल लाइंस, व्हेन प्लेस्ड हाई अपीयर्स टॉलर, व्हेन प्लेस्ड लो अपीयर्स शॉर्टर। प्लेसमेंट्स, गारमेंट्स के कौन कौन से एरियाज में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं या कुछ भी डिजाइन करने के लिए ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कहाँ होता है, किन किन एरियाज में होता है, दैट इज नेक लाइंस, फ्लैट कॉलर, बो टाई, योक लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, बेल्ट, कफ्स, वेस्ट लाइन, क्लैश्ड, यस वेस्ट लाइन। किसी का कमर वाला एरिया बहुत थिन है या वहाँ से बहुत वाइड नहीं है, अगर वहाँ हम ऐसी वेस्ट लाइन यूज करें विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सो जो एरिया है वो वाइड लगेगा। सेशेज, पैच फ्लैप पॉकेट, वाइड सेट डबल ब्रेस्टेड क्लाउसर, स्ट्रैप शूज, प्लेटफॉर्म शूज, वाइड ब्रिम हैट। सी दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। इट्स लुक काम। Diagonal lines, message, active, movement, instability, excitement, interesting, dramatic, restless, sophisticated, in motion, vitality. Illusion,
increases emphasis, reinforce the direction of the dominating angle, counters vertical and horizontal lines. Placements: V-shaped necklines, open collar, lapels, raglan sleeve. It's a kind of sleeves, raglan sleeves. It's a wider the front of the sleeves. Seam lines, French dart, closures, supplies, closures, rows of buttons, fabric insect, diagonal strips, gores, herringbone. Herringbone is a kind of embroidery. Pattern, zigzag pattern, aligned skirt, flared skirt, pant, shoes, laces, creases, straps. The next is, so these are the use of diagonal lines. It's a plain fabric. They were using it in this direction diagonal lines, and this direction the diagonal lines. And this is also with the diagonal lines. Next is, tall figure may wear clothing with horizontal lines and fabric with contrasting colors, adding a wide belt, large and chunky accessories, and jacket with 3/4 length fabric with large print and boxy print skirts also flatter your figure. Agar kisi ka figure aisa hai bahut lamba, tall figure, if they use horizontal lines garments, ye kuch aise garments pehne jisme bahut badi badi pockets hai, bada bada prints hai, ya quarter length sleeves. So इस तरह की वार्ड्रोब अगर होगी टॉल फिगर के लिए, सो उनका जो फिगर है वो बैलेंस दिखेगा, बहुत टॉल नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज, अवॉइड वेयरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स एंड बेल्टेड ड्रेसेस दैट ब्रेक्स इन द फिगर हाफ. बल्की नीड्स पॉइंटेड कॉलर्स, टू पीस ड्रेसेस एंड वेरी लॉन्ग जैकेट और ऑल्सो बी अवॉइडेड. नेक्स्ट, टॉल फिगर मे वेयर क्लोदिंग विद हॉरिजॉन्टल लाइंस द फैब्रिक विद कंट्रास्टिंग कलर. अगर हम कोई भी गारमेंट एक सेम कलर का पहनते हैं, सो उससे क्या होता है, हम लंबे लगते हैं. अगर हमने दो कंट्रास्ट करके फैब्रिक पहना है, अगर कोई फिगर बहुत लॉन्ग है तो उससे वो बैलेंस लगेगा क्योंकि ब्रेक हो गया कलर. सो इज द एडिंग अ वाइट बेल्ट, लार्ज एंड चंकी एक्सेसरीज. वाइट बेल्ट हो और उस पर हमने हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप्स का यूज़ किया हो, सो इससे भी फिगर टॉल फिगर थिन फिगर बैलेंस दिखेगा. लार्ज एंड चंकी एक्सेसरीज, जैकेट्स विद 3/4 लेंथ फैब्रिक विद अ लार्ज प्रिंट एंड बॉक्सी प्लीटेड स्कर्ट ऑल्सो फ्लैटर योर फिगर. थिन फिगर, थिन फिगर मे अपीयर मोर फ्लैटरिंग इन पैटर्न विद हॉरिजॉन्टल लाइन, टू पीस ड्रेसेस, बोल्ड कलर प्लेट्स एंड लार्ज प्रिंट्स. Dresses with large pocket add the appearance of weight. Full skirt and top with rounded shoulder and the belt in contrasted color are also good. किसी का फिगर बहुत थिन है तो ऐसे लोगों को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाले गारमेंट्स यूज करने चाहिए. एंड द सेकेंड, देर इज द स्लीव्स, देर इज अ पफ स्लीव्स, देर इज अ सम प्लीटेड इफ वी यूज. सो ऐसी स्लीव्स इस टाइप के फिगर के ऊपर उसको बैलेंस करेगी फिगर को. एंड द बेल्ट इन कंट्रास्टिंग कलर ऑल्सो गुड. सी, देयर इज द टू इमेजेस, सेम फिगर सेम स्ट्रक्चर, देयर इज यूजिंग अ वर्टिकल लाइन एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो वर्टिकल लाइन वाली इमेज हमें लंबा लग रहा है रादर देन हॉरिजॉन्टल. सो दैट्स व्हाई जो लोगों का फिगर बहुत वाइड होता है, ब्रॉड होता है, इफ दे आर यूजिंग वर्टिकल लाइन, सो इट विल लुक गुड, इट विल लुक बेटर. एंड द दिस इज द वाइड बेल्ट एंड दिस इज ऑल्सो यूज अ वर्टिकल लाइन. इफ समबडी हैव ब्रॉड फिगर, दे आर ऑलमोस्ट यूज वी नेक लाइन्स. वी नेक लाइन्स यूज करने से क्या होगा, जो बॉडी का इल्यूशन है वो टॉल लगता है, लंबा लगता है. नेक्स्ट इज कलर, नेक्स्ट एलिमेंट्स इज कलर. कलर कैन प्ले अ लार्ज रोल इन द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विद द कलर व्हील बीइंग यूज्ड एज अ टूल एंड कलर थ्योरी प्रोवाइडिंग अ बॉडी ऑफ प्रैक्टिकल गाइडेंस टू कलर मिक्सिंग एंड द विजुअल इंपैक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन.
first elements is line, and the color is the most important elements of in fashion designing. Because colors, हमें colors का use करना आना चाहिए, colors के name पता होने चाहिए, कौन सी body के structure के लिए कौन सा color suit करेगा, कैसे color complexion के लिए कौन सा color हमें use करना चाहिए. So that's why in a fashion, color knowledge is also very important. So there is the basic color, these are the color wheel. So we are having three basic color, yellow, red, blue. These are the primary color, and if we mix red and yellow, that create a orange color. Red and blue that create a violet shades, and blue and yellow that creates a green shade. So first, these are the primary colors, and the second is the secondary colors. If we use red and violet, that create a red violet. If we are mixing a violet and blue, it create a blue violet. We are mixing yellow and red, it create a yellow green. If we are mixing a yellow and orange, it create a yellow orange. We orange and red create a red orange. So these third lines is the tertiary color. So these are the primary colors, and the second we mix with both, that create a secondary color, and the third is tertiary color. Uses of colors. Colors can add organization, so develop a color strategy and stay consistent with those colors. It can give emphasis to create a hierarchy and the piece of art. Color scheme. So there are so many color schemes. सबसे पहले हमें जो कलर व्हील होती है उसमें प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, उनको कैसे मिक्स एंड मैच करके कौन सा कलर क्रिएट होता है. वहीं से सारे कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं. और कलर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इन फैशन डिजाइनिंग. सो कूल कलर, ब्लू, वाइट, वॉलेट, ग्रीन, दीज आर द कूल कलर्स. मतलब इन अ समर इफ वी आर यूजिंग ब्लू, वाइट, वॉलेट, ग्रीन कलर मोस्टली यूज. वार्म कलर रेड, येलो, ऑरेंज. कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होता है, कोई भी अपोजिट कलर, जैसे रेड का अपोजिट कलर इज द ग्रीन, ब्लैक का अपोजिट कलर वाइट, एंड ऑरेंज का अपोजिट कलर इज द येलो. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. टिंट्स, शेड्स. टेंट्स क्या होता है, कोई भी एक बेसिक कलर है, जैसे ही वो लाइट 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 होता गया, सो दीज आर द टिंट्स शेड्स. शेड्स, एक बेसिक कलर लिया हमने, उसमें ब्लैक ऐड किया, फिर ब्लैक ऐड किया, ब्लैक ब्लैक करते हुए डार्क होता गया, सो दीज आर द शेड्स. टिंट्स, जब कलर्स लाइट 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 होता जाता है, शेड्स, कोई भी कलर जब हमने कोई ब्लैक की एक ड्रॉप मिक्स की, देन क्रिएट अ डार्क कलर, फिर उसमें ब्लैक की एक कलर मिक्स की, ब्लैक की एक ड्रॉप मिक्स की, देखिए इसमें मोर डार्क कलर. सो दीज आर द शेड्स एंड दीज आर द टेंट्स. देन टोन्स, इन दोनों का मिक्सचर करके वी क्रिएटेड टोन्स. नेक्स्ट इज ये, दीज आर द कूल कलर्स, मोस्टली ब्लू, ग्रीन, एंड दीज आर द वार्म कलर, रेड, ऑरेंज, येलो. शेप. नेक्स्ट एलिमेंट इज शेप. A shape is defined as a two or more dimensional area that stand out from the space. Next to or round is due to a defined or implied boundary, or because of difference of value, color, texture, object are composed of shapes, and all other elements of design are shaped in same way. Types of shape. There are so many shapes like mechanical, geometrical. So mechanical shapes or geometrical shapes are the shapes that can be drawn using a ruler or compass. Mechanical shapes, whether simple or complex, produce a feeling of control or order. Organic shapes are freehand drawn shapes that are complex and normally found in nature. Organic shapes produce a natural feel. कोई भी शेप हम हाथ से रफली ड्रॉ कर देते हैं, कोई हमने स्केल यूज नहीं किया, सो ऑर्गेनिक शेप प्रोड्यूस अ नेचुरल फील. एंड इन अ फैशन डिजाइनिंग, शेप की नॉलेज होना, शेप बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए.
हम कभी भी कोई भी डिजाइन जब अपने कस्टमर्स को समझाते हैं या उसको ड्रॉ करके दिखाते हैं, सो एक जो पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट शेप हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए एक फिगर्स में, गारमेंट्स की जो आउटलुक होती है, सिलूट्स होती है, उसके लिए. नेक्स्ट इज टेक्सचर. नेक्स्ट एलिमेंट्स इज टेक्सचर, मीनिंग द वे सरफेस फील और इज परसीव्ड टू फील. टेक्सचर कैन बी एडिड टू अट्रैक्ट और रिपेल इंटरेस्टिंग टू एन एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटनेस ऑफ द टेक्सचर. There is the first is tactile texture is the actual three dimension feel of surface that can be touched. Painter can use emphasis to build, fix and create texture. In a fashion designer, texture is also an important element because there is a so many elements, lines, texture, shape, colors. जब हम कोई भी design create करते हैं, सबसे पहले हम उसका एक sketch draw करते हैं. स्केच ड्रॉ करने के बाद कस्टमर्स को, सामने वाले को पता लग गया कि ये हमारा एक डिज़ाइन रहेगा, लेकिन उसके बाद हम उसमें कलर फिल करते हैं और उसका टेक्सचर्स देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरा कोई गारमेंट्स जब बनेगा तो वो कैसा दिखेगा. मैंने उसमें कलर भी फिल कर दिया, सब कर दिया, लेकिन टेक्सचर, इफ़ आई वॉन्ट टू शो कि द गारमेंट इज इन शिफॉन फैब्रिक, शिफॉन फैब्रिक का टेक्सचर मुझे उस डिज़ाइन में कैसे देना है, that is the texture. Visual texture is the illusion of the surface peaks and valleys like the three pictured. Any texture shown in a photo is the visual texture, meaning the paper is smooth no matter how rough the image perceive it to be. टेक्सचर समझ आ जाना चाहिए देखते ही हमें, वो इस तरीके से ड्रॉ करना, कलर फिल करना, बनाना आना चाहिए कि हमें देखते ही स्केच को पता चल जाए कि फैब्रिक का टेक्सचर कैसा होगा. शिफोन होगा, जॉर्जेट होगा, कॉटन होगा, वेलवेट होगा, साटिन होगा, जो भी होगा, ये हम फैब्रिक का क्वालिटी, हम जो फैब्रिक का टेक्सचर हमें शो करना है वो हम टेक्सचर से ही शो करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ज़्यादा पानी मिला के यूज़ करना है, हमें उसको थिक यूज़ करना है, या कहाँ हमें उसका शेड्स, कहाँ ब्रश बैलेंस तरीके से लगाना है, तभी हम टेक्सचर्स को शो कर सकते हैं. डोट, पोलका डॉट इज द पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ एन एरे ऑफ फिल्ड सर्कल्स. अर्ली इंस्टेंस वर जनरली इक्वली साइज एंड स्पेस रिलेटिवली क्लोजली इन रिलेशन टू देयर डायमीटर्स. मैनी मॉडर्न प्रिंट्स इंक्लूड मोर रेंडमली स्पेस साइज एंड कलर डॉट्स. पोलका डॉट्स आर मोस्ट कॉमनली सीन ऑन द चिल्ड्रन क्लोदिंग टॉयज, बट दे अपियर इन अ वाइड एरे ऑफ कॉन्टेक्स्ट. पोलका डॉट्स बिकम अ कॉमन ऑन क्लोदिंग इन द लेट 19th सेंचुरी इन द यूनाइटेड किंगडम. डॉट जो है आज के ट्रेंड में भी, आज के फैशन में भी डॉट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है गारमेंट्स में. एंड यू सी द पोलका डॉट्स, स्मॉल डॉट्स, बोथ गारमेंट्स आर लुकिंग एलिगेंट जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग डॉट्स. थैंक यू. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, लाइन, डॉट, शेप, टेक्सचर, कलर. विदाउट दीज एलिमेंट्स वी कांट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड हाउ वी यूज दीज एलिमेंट्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन. ओके, थैंक यू.